आज आपका नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि स्टार्ट हो रहा है। इंडिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन आपका ना आता हो, ठीक है। अगर आप इसके वेटेज की बात करते हो, देखो CGL हो या CHSL हो, अगर आप इसके प्री की बात करते हो, प्री में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, आपको इसमें से दो या तीन क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर आप CPO की बात करते हो तो CPO में भी आपके तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 50 में से, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की बात करते हो, बैंक में आपके 25-35 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको दो से तीन क्वेश्चन इसमें को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप CGL के मेंस की बात करते हो तो मेंस में इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम है, NTPC हो गया, रेलवे हो गया, सब में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आता है, ठीक है बच्चों। और देखो जो हम लाभ हानि है इसको हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मैंने इसमें आपके तीन शीट बांट रखी, एक तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, दूसरा आपका इसमें सीट है डिस्काउंट की, और तीसरी इसमें आपकी है मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस होंगे। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे शुरू में आपका क्या आता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको आप कहते हो कोस्ट प्राइस, जिसको आप हिंदी में कहते हो क्रय मूल्य, इसको या आप लागत मूल्य भी कह देते हो, ठीक है भैया। क्या होता है सबसे शुरू में आपका कोस्ट प्राइस, जिसको आप कह देते हो लागत मूल्य, इसको आप ये भी कह दो कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी, अब इसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये लड़का है, ये अपना टीवी लेने गया और इसको टीवी वहां से मिला 20,000 रुपये का, ठीक है। कितने का मिला? 20,000 रुपये का। अब जो ये दुकान से लाएगा तो रिक्शे वाले को भी देगा, मान लो जो रिक्शे वाला था उसने ले लिए 1,000 रुपये, कितने ले लिए? 1,000 रुपये। अब दुकान से एक सेटअप करने भी आया इसको, इसको आप कहते तो इंस्टॉलेशन करने आया, मान लो उसने भी कितने ले लिए? 500 रुपये ले लिए, जो टीवी को सेट करने आया, मान लो 200 रुपये की इसकी वायर आ गई, तो अब कितने का बढ़ गया ये? 21,700। तो जिसका कोस्ट प्राइस होगा वो कितने का है? 21,700 रुपये का। और फिर ये क्या कर रहा है? अपनी बीवी के साथ बैठ कर आराम से टीवी देख रहा है। तो जो ये टीवी पड़ा ये कितने का पड़ा आपका? 21,700। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पे खरीद के लाया, यानी सीपी कितना है इसका? 21,700 रुपये। अब दूसरा क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं दूसरा पर क्या होता है, जिसको आप कहते हो सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हो विक्रय मूल्य, क्या भैया? विक्रय मूल्य। एक क्या होता है आपका कोस्ट प्राइस, जितने पर आप इसको खरीद के लाए, सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप इसको जितने पर बेचोगे। अब देखो जो आपका सेलिंग प्राइस है इसमें आपके तीन केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं? तीन। अब जो पहला केस होगा, पहला केस क्या होगा? जब आपका SP ज्यादा होगा किसके, किससे? CP से। दूसरा क्या है? जब आपका SP कम होगा किससे? कोस्ट प्राइस से। और थर्ड केस क्या बनेगा? जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर होगा किसके? कोस्ट प्राइस की। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति एक शर्ट लाया, क्या लाया? शर्ट। कितने रुपए की है? 500 रुपए की है। और इसने इसको बेच दिया कितने रुपए का? 700 रुपए का। कितने का बेच दिया? 700 रुपए का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट लाया, 500 रुपए की आपकी क्या लाया? शर्ट लाया, और कितने रुपए की बेच दी? 700 रुपए की। भैया लाया कितने की था? 500। बेच कितने की थी? 700। क्या क्या होगा उसको? भैया उसको हो गया 200 रुपए का
लाभ। जब आप इस वाले केस की बात करते हो, यानी जब सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस से क्या होगा ज्यादा होगा, तो आपको क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो पहला केस क्या, जब आपका सी बी 500 है और एस पी क्या है 700, आपने 500 का माल कितने बेच दिया 700 में, तो आपको कितने का लाभ हुआ 200 का। यानी जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है। ये आपको रुपए में होगा, इस बात को आप याद रखना, किस में होगा रुपए में। देखो ना, 500 का माल लाए 700 का बेच दिया, लाभ कितने का हुआ है 200 रुपए का। दूसरा केस क्या आपका, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका क्या कि भैया मान लो सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो आपका मान लो 500 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना मान लो आपका 400 रुपए। आप 500 का तो माल लाए और बेच कितने का दिया 400 का, तो आपको लाभ होगी हानि होगी, हानि कितने की हानि होगी आपको, आपको हानि हो गई 100 रुपए की। यहाँ पे क्या था 100 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या है 100 रुपए का लॉस है। तो दूसरे केस में क्या बनेगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कम होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा भैया, आपको जाएगा लॉस। और लॉस बराबर क्या हो जाता है आपका, सी पी माइनस एस पी, बट ये किस में होगा, ये भी आपका रुपए में होगा। तीसरा केस क्या बनेगा आपका कि भैया आप 500 रुपए की एक शर्ट लाए और आपने 500 की ही वो बेच दी, 500 की लाए और 500 की ही बेच दी, क्या आपको लॉस होगा, क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। यहां पे क्या रहेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी थर्ड कंडीशन की आपकी, जब आपको ना तो लॉस होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लॉस हुआ ना क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी जितने पर लाया उतने पे इसने लाके इसको बेच दी। आगे बस समझ में, इसको अपना डाउन कर लो। देखो भाई एक बार दोबारा देख लो, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता क्या होता है आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा आपको। जब आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कम होगा किससे, क्रय मूल्य से, आपको क्या होगा लॉस होगा। बट जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा तो क्या होगा आपको, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब देखो कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करेंगे सीपी से और सेलिंग प्राइस को डिनोट करेंगे हम एसपी से, ठीक है भाई। अब देखो 500 का माल 700 बेच दिया लाभ होगा, 500 का माल 400 बेच दिया हानि होगी, 500 का माल 500 में क्या होगा आपको, नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो लाभ होगा ना आपकी हानि होगी, ठीक है भाई। अब देखो जो आपका ये लाभ है ये किस में आपका रुपए में है, ये भी किस में है रुपए में, यहाँ भी क्या है नो लॉस नो प्रॉफिट। बट देखो वो आपसे ही नहीं पूछेगा कितने का, कितने रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए की हानि, वो आपसे किस में पूछता है, वो आपसे परसेंटेज पूछता है। तो देखो परसेंटेज की जब हम बात करते हैं आगे, देखो भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परसेंटेज प्रॉफिट यानी कितने परसेंटेज का आपका, कितना परसेंटेज क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो देखो हमेशा जो आपको प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, तो किस पे होगा सेलिंग प्राइस पे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा। अब देखो जब आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपको कब होता है, ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, और जब आपको परसेंटेज में निकालना आप क्या करोगे 100 की मल्टीप्लाई, ये इसको आप कह दे दो, आपको प्रॉफिट कब होगा जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, क्रय मूल्य, यानी क्या एस पी माइनस सी पी बटे में क्या आपका सी पी गुणा में क्या आपका 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। पर आप सीधा याद रखना, अगर आप 100 का माल लाए और आपने 120 का बेच दिया तो क्या होगा लाभ होगा, तो भैया ऊपर से लाभ लेना आगे बात समझ में। बट अगर आप बात करते हो परसेंटेज लॉस की, किसकी लॉस की, तो फिर लॉस हो रहा है आपको, लॉस भी किस पे होगा सीपी पे होगा, यानी क्या लॉस बटे सीपी गुणा में क्या 100%, ये परसेंटेज में है, वो किस में था आपका रुपए में था।
ये इसको आप कह दो आपको लॉस कब होगा, जब आप 500 का माल ला के 400 बेच दो, 100 का माल ला के 80 बेच दो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब आपका क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी क्या सीपी माइनस एसपी बटे में क्या सीपी गुणा में क्या 100%, जब आपको परसेंटेज में निकालना हो। ये प्रॉफिट के लिए, ये क्या है लॉस के लिए, बट आप सीधा याद रखना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर होता है आपका सीपी पे होगा। तो भैया प्रॉफिट बटे सीपी या लॉस बटे सीपी, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे बस समझ में। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अभी जैसे मैं आपसे कहता हूं आपका किसी वस्तु का जो सीपी था वो 720 रुपए था, कितना था 720 रुपए था, और आपने इसको बेच दिया 920 का। आप किसी वस्तु को 720 का लाए और आपने कितने का बेच दिया, 920 का बेच दिया, तो आपको लाभ होगा हानि होगी, क्या होगा लाभ होगा, कितने रुपए का आपको यहाँ पे लाभ हो गया, कितने रुपए का भैया आपको 200 रुपए का लाभ हो गया, और लाभ या हानि किस पे होती है सीपी पे, सीपी कितना है, तो भैया 200 रुपए का लाभ हुआ किस पे 720 पे, तो बस 200 700 का कितने परसेंट है, 0 0 चार से काटोगे 18, चार से काटोगे 5, तो कितना आ गया आपके 5/18, और काट लो इसको, ये कितने बढ़ जाएगा 9, कितने बढ़ जाएगा 50, तो 250/9, 9 2 18, 7 7 63, 27.77% आपको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में। और एक बात और याद रखना, जो भी आपका सीपी होता है, देखो भाई जैसे यहाँ पे इसका कितना था सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस था आपका 720 रुपये, ये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस सदैव आपका 100% होता है, किस पे होता है 100% पे, अगर आपने 100% से ऊपर बेचा तो आपको लाभ होगा, और अगर आपने 100% से नीचे बेचा वो क्या होगी हानि। अब इसको कितने का लाभ हुआ है 27.27%। अब देखो जब 720% का मान, 720 का मान क्या है 100% है, तो देखो इस 200 का मान कितना है, इस 200 का जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है ये किसके बराबर है 27.27% के बराबर है। ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है प्रॉफिट है, और अगर आप सीपी और प्रॉफिट को जोड़ दो तो आपका क्या निकल के आएगा सेलिंग प्राइस, यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो 920 का मान कितना आपका 127.27% आपका, ये क्या है ये आपका सेलिंग प्राइस है। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं आता, नोट करो इसको भी। तो देखिए समझ में आ गया आपको, 720 रुपए का माल 920 का बेगा तो क्या होगा इसको लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ हुआ 27.77%। और देखो जैसे मैंने आपसे बोला जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा, देखो हर चीज़ अपने 100% पर रहती है, मैं कह दूँ ये मार्केट जो है ये भी अपना क्या है 100% देगा, ये भी क्या लड़का ये भी क्या देगा अपना 100% देगा, तो हर चीज़ अपना 100% देती है, जैसे 720 रुपए का है तो ये तो भी अपना 100% क्वालिटी वो दे रही होगी आपको क्या सेटिस्फेक्शन, तो भैया 720 का किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा। अब इसको कितने का लाभ हुआ 200 का, जो 200 रुपये का लाभ हो रहा है रुपए में 200 रुपए का है, परसेंटेज में कितना है 27.77% है, तो भैया 200% का मान कितना है 27.77। अब देखो 720 रुपये का माल था 200 का लाभ हुआ तो कितने का बेका है, तो इस 920 का परसेंटेज पूछो किसके बराबर होगा 127.77 के बराबर होगा। बट देखो जब भी वो आपसे आंसर पूछेगा किस में परसेंटेज में, तो आप फॉर्मूला मत लगाओ, आप डायरेक्ट कर लो किससे रेशो से, कैसे करोगे आप, देखो भाई आपका सीपी कितना था, सीपी आपका 720 है, आपका एसपी क्या है 920 है, तो आप अनुपात निकाल लो, ये 0 0 कट जाएगी आपकी, 2 से काट दो कितने बढ़ जाएगा 36, या 4 से काट दो ना, 4 से कितने बढ़ जाएगा 18,
चार दो यहाँ चार थे या बारह। अब देखो जो 18 का माल था आपने कितने का बेचा, कितने का लाभ होगा, पाँच। किस पे, तो भैया 5 18 का कितने परसेंट, 200 काटोगे 9 बार, 200 काटोगे 50 बार, कितना जाएगा आपका 250/9। और इसका मतलब क्या होता है, 27.77% कह दो, ये इसको आप कह दो 27 7/9%, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होगा आपका। आगे बस समझ में, तो जब भी वो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई परसेंटेज में लाभ कितना होगा या परसेंटेज में हानि कितनी होगी, तो आप सीधा रेशियो लगा दो, सबसे इजी आपके लिए ही है। ठीक है भाई, आगे बस समझ में, नोट करो इसको भी। देखो भाई आगे देखो, जैसे क्वेश्चन नोट देखो आप, जैसे मैं आपसे कहता हूं आपका जो सीपी है यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका 630 रुपये, और आपने इसको बेच दिया मान लो 588 रुपये का, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होगा। अब या तो ऐसा है आप इसका अंतर निकाल लो, अब 630 का माल था आपने कितने का बेचा, आपको लाभ होगा हानि होगी, लॉस होगा हानि होगी, तो या तो आप इसको कर लो भैया लॉस बटे सीपी गुणा में क्या, सो वरना इसको आप किससे कर लो, इसको सबसे अच्छा आप किससे करो, रेशियो से कर लो, 7 से काट दो, 7 9 63, 7 8 56, 7 4 28, फिर काट दो 6 से, 6 से कितनी बढ़ जाएगा 15, और 6 से कितनी बढ़ जाएगा 14। अब एक बताओ जो 15 का माल था आपने 14 का बेच दिया, हानि होगी या लाभ होगा, हानि होगी, कितने की हानि हुई, एक की, कितने पे, तो भैया देखो 1/15 का मतलब भी क्या होता है 6 से 2/3, या आप निकालो अगर नहीं पता आपको, 5 3 15 5 से 20, तो कितना आ गया 6 से 2/3%, या इसको आप क्या कहते हो 6.66%, कुछ ही मान लो। आगे बस समझ में, नोट करो इसको भी। देखो भैया आगे सही से देखना है ना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ मान लो ये लड़का है, इसकी कमीज बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है भाई, इसने कमीज बनाई, जो इसकी कॉस्ट आई वो मान लो 500 रुपये आई है, कितने रुपये आई है 500 रुपये। अब जब इसकी कॉस्ट 500 रुपये आई है, इसने क्या करा, जो बिजनेस मैन हो तो क्या काम करते भैया, 500 रुपये कॉस्ट आई उस पर टैग कितने का लगा दिया, मान लो उस पर टैग लगा दिया इन्होंने 800 रुपये का, किसका लगा दिया 800 रुपये का उन्होंने लगा दिया टैग। अब देखो जो उस पर टैग लगाया है, टैग का मतलब क्या है, यानी उस टैग पे 800 रुपये लिखा हुआ है, यानी शर्ट कितने रुपए की है 800 रुपये की है। अब जो टैग है, अब इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एमपी, जिसको आप कहते हो मार्केट प्राइस, ये इसको आप कहते हो हिंदी में अंकित मूल्य, क्या भैया अंकित मूल्य, या आप इसको कह दो सूची मूल्य, क्या सूची मूल्य, यानी जो उस शर्ट पे आपने लिखा है। जैसा आप देख लो, जैसा आपसे कहता हूँ आपने MDH का मसाला सुना होगा, MDH को मसाला जो होता है उस पर कितना, मान लो उस पर लिखा 50 रुपये, तो उसका सूची मूल्य कितना है 50 रुपये, उसका अंकित मूल्य कितना है 50 रुपये, यानी जो उस पर मेंशन किया गया वो आपका क्या होता है, आपका वो आपका मार्केट प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य, या कहते हैं इसको आप सूची मूल्य। अब आप मुझे एक बताओ, जो आपका माल 500 रुपये का था उस पर कितना लिखा 800 रुपये, कितना बढ़ा के लिखा 300 रुपये, जो ये 300 रुपये इन्होंने लिखा है इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं मार्कअप, क्या कहते हैं मार्कअप इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहते हैं मार्कअप। अब जैसे मैं आपसे कह दूं जो 500 रुपये का माल था इन्होंने कितना लिखा 800 रुपये, कितने बढ़ाए 300, बट अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितने बढ़ाए हैं, किसमें परसेंटेज में कितने बढ़ाए, तो देखो क्या होगा, अगर मैं पूछता हूँ मार्कअप परसेंटेज, क्या भैया कि परसेंटेज में कितने बढ़ाए, कितने बढ़ा के इन्होंने लिखे, तो आप मुझे एक बताओ भाई जो 500 था कितना लिख दिया 800, कितने बढ़ाए 300, किस पे
होगा सी पी पी कितना 500 रुपये, तो भैया इसका ये कितने परसेंट, 20 5 से कितने बढ़ जाएगा ये 60, यानी या तो आप कह दो कि भैया 500 के माल पे इन्होंने 60% बढ़ा के लिख दिया, तो इसका मार्कअप कितना है, मार्कअप परसेंटेज कितना है भैया, मार्कअप परसेंटेज इसका है 60%। और अगर मैं रुपए में कहूँ तो भैया कितने बढ़ा के लिख दिए हैं, 300 रुपये, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो, अब जब 800 रुपये था, मान लो मुझ जैसा गरीब पहुँच गया शर्ट लेने, उन्होंने कहा मैंने देखा भाई 800 रुपये मुझे शर्ट पसंद आ गई, मैंने क्या कहा भैया थोड़ी सस्ती लगा लो, तो उसने क्या काम करा, उसने आपसे कह दिया कि एक काम करो तुम 600 रुपये की ले लो, कितने रुपये की 600 रुपये की, तो जब मैं इसको 600 रुपये की लूँगा, ये मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, इसको आप क्या कहते हो, विक्रय मूल्य, क्या कहते हो भैया, विक्रय मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो 800 का माल था मैं कितने का ले आया, 600 रुपये का ले आया, तो कितने रुपये कम में दिया उसने मेरे को, 200 रुपये, जो 200 रुपये इसने मेरे को कम करेगी आपका क्या है, इसको आप कहते हो डिस्काउंट, क्या कहते हो भैया, डिस्काउंट, जिसको आप कहते हो छूट, या आप कह दो इसको बट्टा। आगे बात समझ में, देखो भाई दोबारा देखो, जो माल 500 रुपये का था मेरे लिखा कितना 800, कितना बढ़ा के लिखा 300 रुपये, तो भाई जो मार्कअप है, जो डिफरेंस है, जो बढ़ा के लिखा, उसको आप क्या कहते हो, मार्कअप। अगर मैं कहूँ रुपये में कितना, तो आपके क्या होगे 300, मैं पूछूँ परसेंटेज में कितना बढ़ाया, तो आपके क्या होगे 60%। जब आप 500 का 60% निकालोगे, इसका 10% कितना आएगा 50, 60% कितना आएगा 300, या तो आप कह दो 60%, या आप कह दो 300 रुपये, दोनों क्या है बराबर है, रुपए में 300 है, परसेंटेज में कितना है 60, तो कितने रुपए लिख दिए 800 रुपये, जो उस पर छापा हुआ मूल्य वो कितना है 800 रुपये, जो छप रखा है वो कितना है 800। अब जो 800 का माल था मैं कितने का ले आया 600 रुपये का, कितने कम में लाया 200, तो भाई जो इसमें 200 रुपये की छूट दी है, इसको आप क्या कहते हो, छूट कह दो, इसको आप क्या कह देते हो, बट्टा कह देते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो माल 800 रुपये का था कितने का था 800 का, मैं कितने का लाया 200 का, अगर मैं आपसे पूछूं रुपए में कितने छूट दो आपके क्या होगे 200, बट अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में डिस्काउंट कितने का मिला है, तो आप मुझे एक बताओ कितने की छूट दी 200 की छूट दी, कितने पे, तो 200 800 का कितने परसेंट है, तो 20 20 8 से कितनी बढ़ जाएगा 8 2 16, 8 5 40, तो कितने परसेंट की छूट दी है 25% की इसने क्या दे दी, छूट दे दी। तो आप मुझे एक बताओ, अगर 25% की छूट दी, आप मुझे एक बताओ मार्कअप कितना था 60%, छूट कितने की दी है 25% की छूट दे दी, आप मुझे एक बताओ जो 25% की इसने छूट दी वो क्या है, वो तो दुकानदार के लिए एक नुकसान है, क्या है, दुकानदार के लिए नुकसान है, तो कितने का नुकसान ले रहा है ये 25% का नुकसान ले रहा है। अब आप मुझे एक बात और बताओ भाई, जो 500 रुपये का माल था, सुनते रहना, जो आपका 500 रुपये का माल था कितने का बेच दिया 600 रुपये का, भैया 500 का माल था कितने बेगा 600 में, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ, कितने का लाभ हुआ भाई, देखो अगर 500 का माल 600 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ, लाभ इसको हुआ 100 रुपये का, रुपए में कितने हैं 100, बढ़कर मैं पूछूं परसेंटेज बताओ प्रॉफिट में, परसेंटेज बताओ प्रॉफिट में, तो आप मुझे एक बात बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, और प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, सीपी कितना है 500, तो 100 500 का कितने परसेंट है, यानी कितने परसेंट लाभ है इसको 20% का इसको लाभ हो गया। आगे बस समझ में, तो भैया क्या दोबारा देख लो, जो 500 का माल था लिखा कितना 800, कितने का मार्कअप है, कितना बढ़ा के लिखा मूल्य है 60%, इसने मूल्य को बढ़ाकर लिखा, कितना लिखा 800। अब जो 800 का 800 का जो माल था जिस पे इन्होंने 800 रुपये लिख रखा था वो कितने का बेच दिया
600 रुपए का बेच दिया तो कितने का बट्टा दिया? 200 रुपए का बट्टा। किसमें दोगे आप? जो छपा हुआ है 800 का माल 600 में, बट्टा कितने का है? 200। किसमें दोगे? छपे हुए मूल्य पे। तो 800 200 का कितने परसेंट है? कितना आ गया? 25% का इसने इसको बट्टा दे दिया। तो भाई जो 500 का माल था वो 600 का बेचा, तो लाभ तो अब भी हुआ। कितने का हुआ? 100 रुपए का। लाभ हानि किस पे होती है? सीपी पे। तो 100 का लाभ सीपी पे, 100 500 का कितने परसेंट है? तो आपका लाभ कितना आ गया? 20% लगा आपका लाभ हो गया। अब देखो अगर मैं मार्कअप परसेंटेज की बात करूं कि मार्कअप परसेंटेज आपका क्या होता है, तो देखो कुछ नहीं होता मार्कअप। जब परसेंटेज की आपसे बात करूंगा तो क्या होगा भैया? मार्कअप यानी जो आपका डिफरेंस है। मार्कअप मतलब क्या होता है? जो आपका डिफरेंस होगा किस किस के बीच में? एमपी और सीपी के बीच में। मार्कअप और कुछ नहीं होता। मार्कअप क्या होता है कि आपने सीपी को कितना बढ़ाकर लिखा, वो आपका क्या है? मार्कअप है। देखो सीपी था कितना? 500। लिखा कितना? 800। तो कितना बढ़ाकर लिखा? 300। ये आपका क्या है? ये आपका मार्कअप होता है। मार्कअप किससे बढ़ाओगे आप? सीपी पे। तो मार्कअप बटे सीपी गुणा में क्या? 100%। ये आपको क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज होता है। आगे बात समझ में। और अगर मैं बट्टे की बात करूं तो आप बट्टा किस पे देते हो? बट्टा किस पे देते हो आप? मार्केट प्राइस पे। तो अगर आप, मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करता हूं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो देखो आपने क्या करा, आपने एमपी में से एसपी को माइनस कर लिया, जब तक आपको 200 आया, यानी क्या? एमपी माइनस एसपी बटे में क्या? एमपी ऋणा में क्या? 100%। अगर आपको परसेंटेज निकालना हो डिस्काउंट में तो आपके क्या हो जाएगा? एमपी माइनस एसपी, यानी कितना उस पर छपा हुआ था आपने कितने का बेचा, वही आपका क्या है? डिस्काउंट है। तो भैया हो गया आपका 800, 600 का डिफरेंस कितना है? 200। था कितना? 800 का। बस 200 800 का कितने परसेंट है? तो कितना आ गया आपका? 25% आ गया। आगे बात समझ में, नोट डाउन करो इसको आप। देखो भाई आगे देखो, एक बार दोबारा देख लो इसको। दो क्या, जैसे आपका अगर सीपी कितना था? सीपी आपका 500 रुपये। आपने उस पर लिख कितना दिया? छपा हुआ मूल्य कितना है? 800 रुपये। तो जो डिफरेंस है, ये 300 को जो भी डिफरेंस था, ये क्या आपका? ये आपका मार्कअप है, यानी आपने कितना बढ़ाकर लिखा। देखो रुपये में कितना है? 300। अगर मैं आपसे परसेंटेज में बात करूं, आप अनुपात से निकाल लो, 20 20। भाई जो 5 का माल था आपने कितना लिख दिया उस पर? 8। कितना बढ़ा कर लिखा? 3। किस पे? अरे देखो 3 5 का मतलब कितना होता है? 60% होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलेगी, देखो मार्कअप क्या होता है? मार्कअप आपका और कुछ नहीं है भैया, एमपी और सीपी का क्या है? डिफरेंस है। तो एमपी माइनस सीपी, ये आपका क्या है? मार्कअप होता है। और अगर आपसे कहूँ मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, मार्क अप परसेंटेज, तो क्या होगा? मार्कअप, या आप कह दो एमपी माइनस सीपी, मार्कअप बटे में क्या? किस पे लिखोगे आप? सीपी पे। और गुणा में क्या आपका? 100%। ये आपका क्या होता है? ये आपका मार्कअप परसेंटेज होता है, जिसको आप कहते हो कि आपने सीपी से इतना बढ़ाकर लिख दिया। मैं कहूँ रुपए में कितना लिखा, ये मैं आपसे कहूँ परसेंटेज में आपने कितना बढ़ाकर लिखा, वो आपका क्या होता है? मार्कअप होता है। दूसरा क्या है, अब देखो जैसे एमपी कितना है इसका, छपा मूल्य कितना था? 800 रुपये था। आपने बेच कितने का दिया? आपने बेच दिया 600 रुपये का। अब देखो जो 800 का माल था आपने 600 का बेच दिया, आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 200 रुपये का। रुपए में पूछूं तो रुपए में आपका 200 रुपये का डिस्काउंट, बट जब मैं परसेंटेज में पूछूंगा, आप अनुपात से निकाल लो, 20 20। दो से ये
चार बार, दो से ये तीन बार। जो चार का माल था आपने तीन में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया? 21 पे, 4 पे। अरे 1/4 का मतलब भी क्या होता है? 25%। और मैं पूछूं डिस्काउंट क्या होगा, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? भैया डिस्काउंट बटे एमपी। तो डिस्काउंट को आप क्या कहते हो? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, और बटे में क्या आएगा? एमपी, और गुणा में क्या? 100%। ये आपका क्या है? ये आपका डिस्काउंट होता है। आगे बस समझ में, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया। अब एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लो अभी होली आने वाली है आपकी, 3 दिन बाद आपकी होली है। जैसे मान लो मैं टीवी खरीदने गया दुकान पे, क्या खरीदने गया? टीवी। अब जो टीवी पे आपका मूल्य लिखा था, जो आपका टीवी पर छपा हुआ मूल्य था, जो उस पर लिखा हुआ था, मान लो वो लिखा था 10,000 रुपये। कितना लिखा था? 10,000 रुपये। मैंने कहा भैया कुछ ऑफर तो दे दो, आपने भारत लगा रखा है 10% की छूट। तो एक बात हो, अगर 10,000 रुपये उस पर लिखा था, इसका क्या है? मार्केट प्राइस, इसको आप कहते हो अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य। अब इस पर लिखा कितना था? 10,000। मैंने कहा कुछ छूट, उन्होंने कहा भैया 10% की इस पर छूट है। तो 10% का क्या है? बट्टा। जब इसका आप 10% निकालोगे, 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा। भैया अगर आप इसका 10% इस पर छूट दे रहे हो तो ये क्या आपका? ये आपका बट्टा है, जो क्या है? 10%। और आपको बट्टा किससे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कितना है? 10,000। जब इसका आप 10% बट्टा दोगे, यानी कितने का बट्टा दे दिया? 1,000। जो 10,000 का माल था आपने 1,000 का कम में बेच दिया, कितने का बेच दिया? 9,000 में आपने ये बेच दिया। और ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आपसे मैं कहूं कि भाई इसने वस्तु को 9,000 में बेच दिया और इसने 10% की लाभ कमाया। चलो क्या कमाया? 10% का लाभ कमाया। आप मुझे बताओ, मैंने आपसे भी कहा था जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका 100% पे होता है। अगर कोई 10% का लाभ कमाएगा तो कितने परसेंट बेचेगा? 110 पे। अगर 10 की हानि कमाएगा तो कितने बेचेगा? 90 पे। अगर इसने 10% का, मैं कह रहा हूँ इसने 10% का लाभ कमाया, 10% लाभ का मतलब क्या है? 10/100, या आप कह दो 1/10। जो 10 का माल था, जिसका सीपी 10 रुपये था, उसने इसको 1 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेका होगा? 11 में। वो कह रहा है 11 का नहीं बेका, कितने का बेका है? तो 11 का माने कितना है? 9,000 है। तो 1 का मान क्या आएगा? 9,000 बटे में क्या? 11। तो सीपी कितना था? 10। तो 10 का मान क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा। आगे समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है? नोट डाउन अगर करना है किसी को, देखो भाई आगे देखो। देखो भाई आपने भी क्या देखा, आपने पहले 60% तो बढ़ाया, आपने फिर 25% घटाया, और उसके बाद ये आपका क्या आया? उसके बाद आपका क्या आया? लाभ आया। तो देखो जो नेट चेंज है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका सक्सेसिव इंक्रीज मैंने आपको पढ़ाया था, परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया था। क्योंकि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किससे बेस है? पूरा सक्सेसिव पे। पहले साल 10%, अगले साल 10%, तो दूसरे साल में कितना मिलता है आपको? 21% मिलता है। तो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है? आपका सक्सेसिव पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कोई वैल्यू थी आपकी, मान लो किसी चीज़ की वैल्यू क्या थी? 100 रुपये थी। आपने पहले क्या करा? आपने पहले बढ़ाया, इसमें 1% आपने इंक्रीज करा। क्या करा? 1% आपने क्या करा? इंक्रीज करा। और जो वैल्यू आई आपके निकलने की, आपने फिर इसमें क्या करा? आपने इसमें 20% की कमी कर दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका नेट इफेक्ट होगा, जो नेट चेंज आएगा वो क्या होगा भैया? अगर मैं पूछता हूँ नेट चेंज क्या आया, तो आप क्या क्या होगे भैया? 1% बढ़ा तो ए, 20% घटा तो माइनस का बी, प्लस माइनस माइनस का ए बी बटे 100%। अब ये तो बता देते मेरे को,
आप किसी एग्जांपल से देख लो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ पहले आपने 20% बढ़ाया, क्या करा 20% बढ़ाया, फिर आपने 10% घटाया, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो भैया, पहले 20 आपने बढ़ाया तो प्लस का 20 होगा, आपने 10 घटाया तो माइनस का 10 होगा, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, तो 0 0 0 0, तो भैया 20 में से जब आप माइनस 12 करोगे तो नेट इफेक्ट क्या आया, 8% का आपको प्रॉफिट हुआ। अब जो आपका क्वेश्चन है, देखो आपका जो भी क्वेश्चन था, जो ये नेट चेंज है ना, ये नेट चेंज किस मारा है, जब आपका भी क्वेश्चन था, जो आपका जो सीपी आपका कितना था, 500 रुपये था, आपने कितना लिखा है इसका एमपी, 800 रुपये लिखा था, और आपने इसको बेक कितने में दिया था, 600 रुपये आपने इसको बेक दिया था। तो आप मुझे एक बात बताओ, 500 का माल था, 800 आपने लिखा, 600 में आपने बेच दिया, तो जो आपका नेट चेंज यहाँ पर जो आपने इंक्रीज कर दो कितना करा था आपने, आपने 60% तो बढ़ाया था आपने, है ना, और डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का, और 25% का जब आप इसने डिस्काउंट इसके लिए हानि नहीं है, और जो नेट चेंज आया था ये यहाँ से, ये क्या था आपका, ये तो आपका प्रॉफिट था, ये आपका क्या था, ये तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज था। तो देखो कुछ नहीं करना आपने, पहले क्या हुआ 60% का लाभ, फिर क्या हुई 25% की हानि, भैया पहले आपने 60% बढ़ाया, फिर आपने 25% घटाया, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप डायरेक्ट देखो ना भैया 60% बढ़ाया तो प्लस, 25 आपने कम करा तो माइनस के 25, प्लस माइनस माइनस का 60 गुणा 25 बटे 100, तो हो गया आपका 2500 का 100, 60 जाएगा आपका 15 बार, तो भैया 60 माइनस 40, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखिए कुछ और थोड़ी ना, आपने 60 बढ़ाया, 25 आपने कम कर दिया, तो जो नेट चेंज आया वही तो आपको प्रॉफिट है, तो चाहे आप यहाँ पर लिख लो कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा क्या, नेट चेंज क्या हो रहा है, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100, कि नेट चेंज जो आपने इंक्रीज करा, जो आपका मार्कअप प्राइस में चेंज हुआ, जो आपका डिस्काउंट में चेंज हुआ, इनके नेट चेंज को आप क्या कहते हो, प्रॉफिट कहते हो। देखो 60% बढ़ाया आपने तो प्लस का 60 हो जाएगा, 25 घटाया तो माइनस का 25 जाएगा, माइनस का 60 गुणा 25 बटे 100, आप यहां देख लो 60 माइनस 25 माइनस 60 गुणा 25 बटे 100, तो नेट चेंज कितने का आया, 20%, ये आपका क्या है, ये तो आपका प्रॉफिट है। आगे बस समझ में, तो जी सब कुछ कहानी हो रही है, सब क्या है, ये आपका नेट चेंज है, जिसको आप क्या कहते हो, सक्सेसिव, क्या कहते हो, सक्सेसिव चेंज, कि सक्सेसिव चेंज क्या होगा, 60% बढ़ाया फिर 25 घटाया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा आपका। आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लो इसको भी, देखो भाई इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, देखो रेशियो से कैसे करेंगे इसको, उसको भी देख लो आप अभी, देखो भाई जो आपका मार्कअप चेंज हो कितने का हुआ था आपका, भाई ये आपका सीपी था, ये आपका एमपी था, और ये आपका क्या था, एसपी था, यहाँ से आने के लिए आपने क्या बढ़ाया था, 60% का इंक्रीज करा था आपने, और यहाँ पे क्या करा था आपने, 25% की कमी करी थी। मैं आपसे पूछता हूँ परसेंटेज क्या आएगा, तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सीपी और एमपी का अनुपात क्या आएगा, सीपी और एमपी का अनुपात क्या आएगा, आप मुझे एक बताओ भैया, आपने 60% बढ़ाया था, 60 का मतलब कितना होता है, 60 बटे 100, 20 या 60 20 पंजे 100, यानी अगर आपका सीपी 5 रुपये था तो आपने 3 बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया आपका सी पर एमपी का अनुपात कितना है, 5:8 है, जो आपने 60% इंक्रीज करा था। अब आपने क्या करा, आपने 25% कम कर दिया, 25 का मतलब कितना होता है, 25 बटे 100, यानी 1/4, यानी 4 में आपने कम कर दिया। भैया अगर आपका एमपी, देखो अब किसका अनुपात आएगा, एमपी और एसपी का,
अगर आपका एमपी 4 था तो आपने कम कर दिया तो आपने कितने का बेका होगा? 3 का बेका होगा। तो भैया एक बात तो बताओ, एमपी यहाँ भी, एमपी यहाँ भी है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एमपी एमपी तो कट जाएगा, क्या निकल के आएगा आपका? सीपी और एसपी। तो एक बात तो बताओ, 4 × 8 सीपी और एसपी का अनुपात क्या जाएगा? ये 5 × 5 रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6। देखो कैसे होगा, देखो सीपी बटे एमपी गुणा में क्या, एमपी बटे एसपी। भैया सीपी बटे एमपी, एमपी बटे एसपी। तो देखो सीपी और एमपी का अनुपात कितना था? 5 : 8 था। एमपी और एसपी का अनुपात कितना था? 4 : 3 था। तो एमपी से एमपी तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सीपी बटे एसपी, 4 × 8 तो क्या आ जाएगा? 5 : 6, 5 : 6। अब आप मुझे एक बताओ, जो आपका माल 5 रुपए का था, आपने कितने का बेच दिया, कितने का लाभ होगा? किस पे? अरे 1/5 का मतलब भी क्या होता है भाई? 20% का इसको लाभ हो जाएगा। इसको आप रेशो से ऐसे कर सकते हो। आगे बस समझ में, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों आगे देखो बाप, देखो भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस आप मेरे को सीपी और एसपी का अनुपात बता दो क्या होगा। देखो भाई अगर आपको 30% का प्रॉफिट हुआ, इस 30% का मतलब क्या है? 30/100 यानी क्या? 3/10। आप मुझे तो आपको प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पे होता है। तो भाई देखो अगर इसका सीपी कितना है? 10 रुपए, तो इसको लाभ कितने का हुआ? 3 का हुआ। और भाई एक बात तो बताओ, अगर 10 का माल पे 3 का लाभ हो गया, नहीं कितने का बेका होगा? 13 का। तो जो इसका एसपी है वो कितना आया होगा? 13। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा? 10/13 आपको जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो आप, जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको 46.36% का आपको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? 46.36% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो बताओ इसको कितने परसेंट, मतलब इसका सीपी और एसपी का अनुपात क्या आएगा? अब देखो जैसे मैंने फिगर दे दिया आपको, 46.36 मैंने आपको दे दिया। अब आप कहोगे भैया मैं तो पता नहीं क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिखा, क्या इसको आप ये नहीं लिख सकते? 10% + 36.36% लिख सकते हो। 10% का मान क्या होगा? 1/10। अब जैसे 36 आया, किसका मल्टीपल है? 9 का। और जब ये 9 का मल्टीपल है, 9 से कितनी बार जाएगा? तो ऊपर कितना आएगा? 4। और जब ये 9 का मल्टीपल नीचे क्या आएगा? 11। और अगर 11 का मल्टीपल होता नीचे क्या आता? 9। तो भैया ये तो आ गया आपका, तो क्या होगा? एलसीएम क्या आएगा? 110। 10 से ये 11 बार, 11 × 11 = 11, 11 से ये 10 बार, 10 × 4 = 40, यानी कितना हो गया? 51/110। अगर इसका सीपी 110 है तो इसको लाभ कितने का हुआ है? प्रॉफिट 51 का। भैया अगर 110 का माल था, 51 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो कितने का बेका होगा इसने? 161। इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा भैया? एसपी तो होगा इसका 110 और सीपी कितना होगा? 161 हो जाएगा। आगे बस समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, आज आप कैसे लगते हैं? ठीक है।